आज विधानसभा सत्र में वो जो आरक्षण का विषय था, खास करके जाट जाति, जट सिख, त्यागी, रोड, बिश्नोई एवं मुला जाट, ऐसी ये छह जातियों का जो आरक्षण का विषय पेंडिंग चल रहा था, उसको आज बिल पारित करके एक एक्ट के रूप में हमने पास कर दिया है। जैसे ही राज्यपाल महोदय का उस पर अनुमोदन हो जाएगा, उस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे, उसी समय से वो बिल लागू हो जाएगा। और इस बिल में केवल इन्हीं छह जातियों के लिए नहीं, तो बल्कि बैकवर्ड क्लासेस में पहले भी जो ग्रुप ए जिसमें 71 जातियां हैं, ग्रुप बी जिसमें पहले से 6 जातियां हैं और ये ग्रुप सी की 6 जातियां, इनको अतिरिक्त प्रावधान भी किए हैं। और एक बात इसमें बिल में तो नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जो कैबिनेट में निर्णय कर लिया है, जो ईबीपी है उसमें भी क्लास 1 और क्लास 2 का जो रिजर्वेशन 5% था उसको 7% कर दिया गया है, और क्लास 3 और क्लास 4 में पहले की तरह 10% रहेगा। इसका नोटिफिकेशन तुरंत जल्दी सरकार कर देगी। इससे न केवल इतना लंबे समय से जो पेंडिंग एक इशू था उसको पूरा किया है, बल्कि समाज में एक समरसता आए, पूरा समाज आपस में मिलजुल करके रहे। ये जो ऐतिहासिक माननीय मुख्यमंत्री जो ऐतिहासिक फैसला रहा, हम इसको बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही बड़ा फैसला देखते हैं, और ये समाज के लिए और हरियाणा के लिए सभी बिरादरियों के लिए एक सुख और शांति का बहुत बड़ा संदेश दिया मुख्यमंत्री ने आज ये देकर के। और पिछड़े जाट समाज की जो पीछे काफ़ी दिनों से जो डिमांड थी उसको पूरा किया है, और ये खेती करने वाला समाज है, देश के लिए बहुत कुछ काम करेंगे। आज पूर्णतः किसी के दबाव में आकर के प्रजातंत्र की हत्या हो चुकी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जिस जाति को पिछड़ा ही नहीं माना, आज उसके दबाव में पूरे प्रदेश की सरकार को किडनैप कर लिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री को बैकवर्ड क्लासेस ने पूर्णतः सपोर्ट की थी, उनके हक को पूरा करना चाहिए था। जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर 27% लागू है, चाहे वो क्लास 3 है, 1 है, 2 है, लेकिन हरियाणा के अंदर क्लास 1 और 2 को जहां पे चाबियां लगती और खुलती हैं, प्रशासनिक व्यवस्था में 15% वो भी अभी पीछे किया था, पहले 10% था, आज उसको पूर्णतः लूट लिया गया है। 12% जो हक उनका पूरा करना चाहिए था, आज उसी को लोगों को अमली जमा पहना दिया गया है। और ये भी कह दिया गया है कि एनसीबीसी आयोग जो प्रदेश का पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसको वैधानिक दर्जा देकर के सुप्रीम कोर्ट से भी आज ऊपर वैधानिक दर्जा दे दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बैकवर्ड क्लास नहीं माना, आज उसके दबाव में ये सारा कुछ हुआ है, जिसको पिछड़ा वर्ग कतई सहन नहीं करेगा।